आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स हैज बीन ट्रिपल्ड, 3 गुना, 15,80,000 habitations out of a total of 17,84,000 habitations have been connected with Pakka roads, and the work is going on to complete the very, very soon. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is being allocated 19,000 crore rupees in budget estimate 19-20, as against 15,500 in revised estimate 2018-19. Pehle एक गरीब बच्चा टूटी पगडंडी पर चलकर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है। ड्यूरिंग द पीरियड 2014-18 अ टोटल नंबर ऑफ 1,53,000 1,53,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इस देश में मात्र 5 वर्ष में बनाए, जो पहले के मुकाबले 5 गुना है। 1,53,000 घर बनाए, जो 5 गुना है पहले के। वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे। 18वीं सदी में जीने के लिए मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाए। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं, 143 करोड़। इस सालाना लगभग 50,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। मैडम स्पीकर, पास्ट 5 ईयर्स हैव सीन मैसिव स्केल अप ऑफ हेल्थ केयर। पहले गरीब व्यक्ति इस धन संकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। वी लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम। आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू नियरली 50 करोड़ पीपल। अब तक 10 लाख बीमारों लोगों की इलाज इसके तहत इतने कम अवसर समय में हो चुकी है, और लगभग 3,000 करोड़ रुपए ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बचे हैं जिस जो ये 10 लाख लोगों को इलाज मिला मुफ्त में। लाखों गरीब मध्यम वर्गियों को इस बात का भी बड़ा लाभ हो रहा है, जो कीमतें कम हुई दवाइयों में, कार्डियक स्टेट में, नी इम्प्लांट्स में, और आज दवाइयां जन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत ही सस्ते दरों पे मिल जाती है। इससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। देर आर 21 एम्स ऑपरेटिंग और बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री प्रेजेंटली। 14 ऑफ दीज 21 एम्स have been announced since 2014. दो तिहाई हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहाँ मेरा परिवार जहाँ से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है, और शायद वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। The Aspirational Districts Program is providing targeted development
to the 115 most backward districts of the country. The program has achieved notable results with improved performance on all indicators, health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development. ये aspirational districts program में आज competition के द्वारा ये सब districts तेज गति से विकास से जुड़ रहे हैं, सब सरकारी योजना वहां पहुंच रही है। किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि। मैडम स्पीकर, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी द मेन ड्राइवर ऑफ द रूरल इकोनॉमी। आर हार्ड वर्किंग फार्मर्स सपोर्टेड बाय द प्रो फार्मर पॉलिसीज ऑफ आवर गवर्नमेंट इन द पास्ट 4.5 ईयर्स have produced agriculture commodities in record quantities. Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since the last 2 years relative to the non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented land holding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labor, and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into the clutches of money lenders. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। PM किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। Income support. This income support will be transferred. This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of ₹2,000 each. This program will be funded 100% by the Government of India. करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी।
कार्यक्रम का अनुमानित खर्चा 75,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार भरेगी। पीएम किसान वुड नॉट ओनली प्रोवाइड एश्योर्ड सप्लीमेंटल इनकम टू द मोस्ट वल्नरेबल फार्मर फैमिलीज बट ऑल्सो मीट देयर इमरजेंट नीड्स स्पेशली बिफोर द हार्वेस्ट सीजन। पीएम किसान वुड पेव द वे for the farmers to earn and live a respectable living. I propose an outlay of rupees 75,000 crore for PM Kisan for the financial year 19-20. I am also providing 20,000 crores in the revised estimates of the current year itself. पिछले 5 वर्षों में किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि 2 गुना कर दिया गया। वाँ 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 वाँ। किसानों का फसली कर्ज बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11,68,000 करोड़ रुपए हो गया है, 11,68,00,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण बढ़ गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स, उत्तम क्वालिटी बीज, सिंचाई योजना, कोटेड यूरिया द्वारा खाद की कमी को दूर करे, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास इस सरकार ने 5 वर्षों में किया है। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर also need considerable support. I have increased the allocation for Rashtriya Gokul Mission to 750 crores in the current year itself. I am also very happy, Madam Speaker, to announce the setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. Gau Mata ke samman mein aur Gau Mata ke liye is sarkar kabhi piche nahi hategi, jo zarurat padegi usko pravdhan karegi. India is the second largest fish producing nation in the world, accounting for 6.3% of global production, registering an average annual growth of more than 7% in recent years. The sector provides livelihood to about 1.45 crore people at the primary level. To provide sustained and focused attention towards development of this sector, our government has decided to create a separate Department of Fisheries. In the last budget, our government announced the facility of extension of Kisan Credit Card Scheme to animal husbandry and fishery farmers. Now, I propose to provide the benefit of 2% interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries. 2% ब्याज की छूट इस क्षेत्र को भी दी जाती है। Who avail loan through Kisan Credit Card. Further, in case of timely repayment of loan, they will also get an additional 3% interest subvention. एक प्रकार से इनको किसानों के साथ सम्मान के साथ एक ही दर्जा दिया जा रहा है। To ensure provision of easy and concessional credit and to bring all farmers under the Kisan Credit Card fold, our government has decided to initiate a comprehensive drive with a simplified application form. When natural calamities strike, farmers are generally unable to repay their crop loans. Presently, the crop loans are rescheduled for such affected farmers, and they get the benefit of interest subvention of 2% only for the first year of rescheduled loans. Our government has now decided that all farmers affected by severe natural calamities, where assistance is provided from the National Disaster Relief Fund, will be provided the benefit of interest subvention
of 2% and prompt repayment of 3% for the entire period of reschedulement of the loan. एक वर्ष के बदले पूरा जो समय रिशेड्यूलमेंट का है पूरे समय उनको 2% और समय पे नए समय पे वापस देने पे 3% और यानी 5% ब्याज में उनको छूट मिलेगी. मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा. मैडम स्पीकर, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए. पिछले 5 वर्षों में भारत में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है. हाई ग्रोथ एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज शोन इन EPFO मेंबरशिप विच हैज इंक्रीज बाय नियरली 2 करोड़ इन 2 ईयर्स, reflecting formalization of the economy, and obviously when there is such high growth jobs are created. Satve Kendriya Vetan Aayog ki report pesh hone pe baad uski sifarishon ko jald se jald lagu kiya gaya. Unko koi andolan nahi karna pada, sarkar ne turant lagu kiya Satve Vetan Aayog ko. New pension scheme ko aur liberalize kiya gaya hai. कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14 कर दिया है. 14% सरकारी योगदान. श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दुगनी कर गई 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 21,000 प्रति माह कर दिया गया. जो लोग 21,000 तक प्रतिमाह कमाते हैं उनको बोनस मिलेगा और दुगना 7,000 तक बोनस देने का हमने निर्णय सरकार ने लिया है. ग्रेचुटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई. पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई जो आज तक सर्वाधिक है. इसी प्रकार से ESI के एलिजिबिलिटी कवर की सीमा भी 15,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 प्रतिमाह कर दी गई है. प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1,000 रुपए है. सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में EPFO द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सुनिश्चित की गई. आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मी को हमारी माता बहनों को मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई. हाफ ऑफ इंडियाज GDP कम्स फ्रॉम द स्वेट एंड टॉयल ऑफ 42 करोड़ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर working as street vendors, rickshaw pullers, construction workers, rag pickers, agricultural workers, BD workers, handloom, leather, numerous other industries. Gharelu kamgar bhi badi sankhya mein kaam kar rahe hain. We must provide them a comprehensive social security coverage for their old age. Therefore, in addition to the health coverage provided under Ayushman Bharat, and life and disability coverage provided under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to ₹15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of ₹3,000 after they achieve the age of 60 years. On a monthly contribution, all affordable amount during their working age. An unorganized sector worker joining the pension yojana at the age of 29 years will only have to contribute ₹100 per month
till he attains the age of 60 years. A worker earning the pension yojana at 18 years of age will only have to contribute 55 rupees per month. Sarkar itna hi paisa apni taraf se usme jodegi. The government will contribute an equal matching share in the pension account of the worker every month. हमारा अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी लेबरर वर्कर सबको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ मिलेगा और अगले 5 साल में शायद ये विश्व की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम के रूप में उभर जाएगा। इसके लिए भी इसी साल हमने स्कीम को लॉन्च कर दिया है और 500 करोड़ रुपए इस स्कीम में जरूरत पड़ने पर हम देने के लिए तैयार हैं। और अधिक राशि लगेगी तो और अधिक राशि भी इसके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। The scheme will also be implemented, as I said, from the current year itself. Our government is committed to reach the most deprived citizens of this country. To this end, the condition of the denotified nomadic and semi-nomadic communities, जो विमुक्त हैं, घुमांतु हैं, अर्ध घुमांतु समुदाय हैं, उनके लिए एक विशेष इस बार सरकार ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है। These communities are hard to reach, less visible, and therefore frequently left out. The nomadic and semi-nomadic communities move from place to place in search of a livelihood. The Renke Commission and the Idate Commission have done commendable work to identify and list these communities. A committee under Niti Aayog will be set up to complete the task of identifying denotified, nomadic, and semi-nomadic communities not yet formally classified. Our government will also set up a welfare development board under the Ministry of Social Justice and Empowerment, especially for the purpose of implementing welfare and development programs for denotified, nomadic, and semi-nomadic communities. The board shall ensure that special strategies are designed and implemented to serve these hard-to-reach communities. ये board जो बनाया जा रहा है welfare development board, ये एक प्रकार से समुचित विकास कैसे हो इस वर्ग का उसकी चिंता करेगा और इन सभी योजनाओं को implement करने में उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगा। Women's development to women-led development. Women's development to women-led development. Madam Speaker, in our election manifesto, we had promised that we will transform the quality of life of women in rural India by providing cleaner fuel, for securing the health of every homemaker in rural areas, and to ensure that she does not have to shed tears for cooking food to nourish her family. Our government embarked upon a program to deliver 8 crore free LPG connections under the Ujjwala Yojana. Iske antargat abhi tak 6 crore muft cooking gas connection de ja chuke hain. Agle varsh tak pure 8 crore ho jayenge aur desh mein har parivar ko अच्छी कुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय था उसको हम पूरी तरीके से लागू कर देंगे। उज्ज्वला इज अ रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर गवर्नमेंट्स प्रोग्राम डिफाइंड बाय अ बोल्ड येट प्रैक्टिकल विजन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल एंड कंपैशनेट लीडरशिप। मोर देन 70% ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आर विमेन who are getting affordable and collateral free loans to start their own businesses. Amongst many measures, benefits of maternity leave of 26 weeks and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana for pregnant women have provided financial support to women while empowering them to participate in work.
empowering youth to fulfill their potential. India is amongst the most youthful nations in the world. Through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, over 1 crore youth are being trained to help them earn a livelihood. We have harnessed Yuva Shakti through self-employment schemes, including Mudra, Startup India, and Stand Up India. Under Mudra Yojana, 15.56 crore loans have been disbursed, amounting to 7,23,000 crore rupees. Puri duniya mein swayam rozgar ki kalpana ab badal rahi hai aur rozgar ki bhi kalpana badal rahi hai. Ab sirf sarkari naukriyan aur karkhane mein hi rozgar utpann nahi hota hai. Job seeker aaj job creator ban gaya hai. India has become the second largest hub of startups. We are proud of the hard work and innovative ideas of our youth. In order to take the benefits of artificial intelligence and related technologies to the people, a national program on artificial intelligence has been envisaged by our government. This would be catalyzed by the establishment of the National Center on Artificial Intelligence as a hub along with centers of excellence. 9 priority areas have been identified. A national artificial intelligence portal will be developed soon. Empowering MSMEs and traders. Sarkar ne karodo ko rozgar dene wale MSME sector ko sashakt karne ke liye kai prabhavi kadam uthaye hain. Hal hi mein sirf 59 minutes mein 1 crore tak ke rin ki yojana shuru ki gayi. GST registered SME ikaiyon ko 1 crore ke incremental loan par ab 2% byaj ki chhoot milegi. Sarkari upakramon mein SMEs se sourcing ki avashyakta ko badhakar 25% kar diya gaya hai. Out of this, the material to the extent of at least 3% will be sourced from women-owned SMEs. Government e-marketplace, GEM, created by our government 2 years ago, has transformed public procurement by making it fully transparent, inclusive, and efficient. MSMEs have an opportunity to sell their products through GEM. Transactions of over 17,500 crore rupees have already taken place, resulting in an average saving of 25% to 28% when purchased from GEM. The GEM platform is now being extended to all central public sector enterprises. We have focused on supporting domestic trade and services. Our government has recently assigned the subject of promotion of internal trade, including retail trading and welfare of traders and their employees, to the Department of Industrial Policy and Promotion, which will now be renamed as the Department for Promotion of Industries and Internal Trade. Strengthening defense and national security. Madam Speaker, our soldiers protect our borders in tough conditions. They are our pride and honor. हमने भी उनके सम्मान का ख्याल रखा. इन आवर इलेक्शन मैनिफेस्टो वी हैड प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन. दिस वॉज पेंडिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स बट हैज बीन रिजॉल्व बाय अस. मैडम स्पीकर, प्रीवियस गवर्नमेंट्स अनाउंस्ड इट इन 3 बजट्स but sanctioned a mere 500 crore rupees in the interim budget of 2014-15. In contrast, we have already disbursed over 35,000 crore rupees. After implementing the scheme in true spirit, 35,000 crore rupees sarkar ne pichle varshon mein hamare jawanon ke liye diye hain one rank one pension ke tehat.
The government has also announced substantial hike in the military service pay of all service personnel and special allowances given to naval and air force personnel deployed in high-risk areas. Our defense budget, Madam Speaker, ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ से बढ़ के 2019-20 में प्रावधान किया गया है. For securing our borders and to maintain preparedness of the highest order, if necessary, additional funds will also be provided. Supporting Indians across the world. Today, all persons of Indian origin feel secure that their motherland Bharat cares for them and at times of need will support them. India's transformation has inculcated a sense of pride and respect for Indians and persons of Indian origin across the globe. We have taken several initiatives to strengthen their connect with India, facilitate their investment in India, and ease their travel. Infrastructure development. Infrastructure is the backbone of any nation's development and quality of life. Whether it is highways or railways or airways or even digiways, we have gone beyond incremental growth to attain transformative achievements. Aaj एक सामान्य नागरिक भी उड़ान योजना के कारण हवाई जहाज में सफर कर पा रहा है. अब 100 से अधिक एयरपोर्ट हो गए हैं. सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट खुलने के बाद 100 से अधिक एयरपोर्ट इस देश में हो गए, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स. डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक दुगना हुआ है पिछले 5 वर्षों में, दुगना. और क्या जब इतनी तेज गति से विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से नौकरियां भी आएंगी और एविएशन सेक्टर में बड़े रूप में युवा युवतियों को नौकरियों का साधन मिला है. टुडे इंडिया इज द फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर इन द होल वर्ल्ड विद 27 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज बिल्ट ईच डे. प्रोजेक्ट्स स्टक फॉर डेकेड्स लाइक द ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे अराउंड दिल्ली or the Bogibil Railcom Road Bridge in Assam and Arunachal Pradesh have been completed. Wow. The flagship program of Sagarmala along the coastal areas of the country will develop ports for faster handling of import and export cargo. For the first time, container freight movement has started on inland waterways from Kolkata to Varanasi.